सो दोस्तों, मैं ये 110% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप भी एक व्हाट्सएप यूजर्स होंगे एंड आप भी अपने व्हाट्सएप को मैसेज के तौर पर या फिर आप अपने भी व्हाट्सएप में स्टेटस लगाते होंगे या फिर किसी भी तरीके से उसको यूज करते होंगे। और दोस्तों, ऐसे में ही व्हाट्सएप का न्यू टर्म्स एंड पॉलिसी कंडीशन आ गया, जो कि दोस्तों हम सभी के लिए बहुत ही बेहिचक वाली बात यहाँ पे खड़ा कर देता है एंड टेंशन वाला बात खड़ा कर देता है। जो कि दोस्तों इसका कुछ पॉलिसी है या चेंज, जो जो इसके पॉलिसी या कंडीशन है वो कुछ ऐसा ही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बहुत ही आसान भाषाओं में बताया हूँ कि इसमें जो न्यू पॉलिसी कंडीशन आया है उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं एंड क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और अगर आप अभी अपने व्हाट्सएप को खोले होंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आया होगा, और अगर आपके मोबाइल में अभी तक नहीं आया तो आई होप बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि ये इसका लास्ट डेट 8 फरवरी तक है। तो आप इंश्योर कि इतना टाइम के पहले ही आ जाएगा। और अगर आप इसको नहीं करते हो एग्री तो ये क्या होने वाला है, और इसको कर देते हो तो आपके मोबाइल से कौन कौन से डाटा को एक्सेस कर पाएंगे व्हाट्सएप वाले, और किन किन चीज़ों को ये एक्सेस करेगा, कहाँ पे शेयर करेगा, और इससे क्या इफेक्ट्स पड़ने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं सारा कुछ क्लियर किया हूँ। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप सभी लोग भी बने रहिएगा, क्योंकि आप का जितने भी सारे डाउट चल रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम लेट किए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो फर्स्ट पॉइंट पे मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि इंडिया में कुल व्हाट्सएप यूजर्स 200 मिलियंस हैं। जैसे कि अगर आप सभी को पता नहीं है तो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि इंडिया में ही कुल 200 मिलियंस यूजर्स व्हाट्सएप का सिर्फ हैं। और ऐसे ऐसे ही कुछ एक 1 ईयर्स पहले ही कुछ इस तरीके से कंडीशन आया था, उस समय बहुत ही लोगों ने इसका विरोध किया था तो वहाँ पे नहीं लगा था। और हो सकता है कि ये भी कंडीशन जो है पॉलिसी ये भी हट सकता है, क्योंकि गाइज मैं यहाँ पे आप सभी को बताऊँगा आगे कि इसमें क्या क्या कंडीशन इसमें सेट किया गया है। तो चलिए आज बता देना चाहता हूँ, इसमें आपको आपका जो मोबाइल है, अगर आप एक व्हाट्सएप यूजर्स हैं तो आपके मोबाइल से किन किन डाटाओं को ये एक्सेस कर पाएंगे व्हाट्सएप की मदद से। तो इसमें कुल 17 जो चीज़ें हैं ये डाटा आपके मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं, जो कि दोस्तों ये बैटरी लेवल स्ट्रेंथ, आपके मोबाइल का जितने भी सारे लोकेशन है, या फिर आप कहाँ कहाँ किन किन वीडियो को शेयर कर रहे हैं, आप किसके साथ चैट पे बात कर रहे हो, ये सब सारा कुछ आपसे को जो भी है ये उसके पास रिकॉर्ड हो जाएगा, और इसका जो भी डाटा है वो एक्सेस कर लेगा। और इस एक्सेस कर लेने के बाद ये कहीं पे भी शेयर कर सकता है, लाइक व्हाट जैसे कि हो गया इंस्टाग्राम और हो गया फेसबुक, ये यहाँ पे शेयर कर सकता है और वो अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज कर सकता है, और यहाँ पे वो सिर्फ इन चीज़ों से अपने फायदा के लिए वो यूज कर सकता है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें ये इसका लास्ट डेट जो है वो 8 फरवरी तक है, या 8 फरवरी के अंदर तक अगर आपके मोबाइल में अभी तक नहीं आया होगा ये मैसेज या फिर ये नोटिफिकेशन, तो 8 फरवरी के पहले आपसे को भी मोबाइल में आ जाएगा। और अगर आपके अभी तक आया नहीं है और अगर आ भी गया तो अभी इसको एग्री नहीं करना है, 8 फरवरी तक हम सभी को देख लेना कि क्या होता है। और ये सिर्फ हम के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए और ये सभी देशों के लिए भी है। तो हम तब तक इंतज़ार कर लेते हैं, और आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ कि इसमें इससे क्या क्या बेनिफिट्स है, सॉरी दोस्तों, इससे क्या क्या हमारे हमारे लिए इफेक्टेड होगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना के डाल दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, और फिर मिलेंगे हम किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।